दिया जी, पूरे हरियाणा में संकेतिक रूप से 12 से 2 बजे तक 2 घंटे के लिए संकेतिक जाम गुरु नाम सिंह चलूंगी जी के आह्वान पर किया गया था, क्योंकि कल बॉर्डरों के ऊपर शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो तशद्दुद सरकार ने किया है किसानों पर आतंक डाया है और गोलियां चला करके 6 किसानों को शहीद किया है, जबकि सरकार एक को ही मान रही है। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि से एक किसान शहीद हुए हैं, उसके विरोध स्वरूप आज हमने ये संकेतिक प्रदर्शन किया है और कल गुरु नाम सिंह चलूंगी जी ने पूरे हरियाणा की कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है, उसमें हम आगामी का ठोस फैसला लेंगे। दो घंटे जाम शहीद शुभकर्म सिंह के नाम। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने 2 घंटे के लिए हाईवे जाम किया। आपको याद होगा कि गुजरी 21 फरवरी को नेताओं की मुलाजिम खाकी ने देश के अन्नदाताओं का मनोबल तोड़ने के लिए गोलियां बरसाकर एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया और काफी किसानों को जख्मी कर दिया था। इस हत्या के खिलाफ आज किसानों ने 2 घंटे के लिए हाईवे जाम करके सरकारों को होश में आने का इशारा किया। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरावर बड़ा जी से देखिए, फैसला तो मीटिंग के बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन कल कोई ठोस फैसला लिया जाएगा जिसे सरकार ये सोचने पे मजबूर हो कि गोली से किसान मानने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। किसान मानेंगे तो टेबल पे वार्ता करके मानेंगे। तो भाई जी, क्या कहें, अगर मीडिया को भी हटाया गया है, किलोमीटर दूर लगाया गया, मीडिया से बदतमीजी करते नजर आते हैं। दर्शन जी, देखिए, मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आज ये सरकार लोकतंत्र को कुचलने पर तुली हुई है। लोकतंत्र में ना तो गोली के लिए जगह होती है और ना मीडिया को रोकने के लिए। लोकतंत्र में वार्ता से चीजों का हल होता है। किसानों पर गोली चलाई जा रही है और ट्यूकर बॉर्डर पर भी मैं पिछले हफ्ते गया था तो वहां भी मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा, ताकि जो ग्राउंड कवरेज है, जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है, वो लोगों तक ना पहुंचे। हम इसकी निंदा करते हैं और कल के फैसले के बाद सरकार को ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि मीडिया और किसानों पर अत्याचार नहीं चलेगा।